नमस्कार मित्रों, ज्ञानी मंत्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है चाणक्य नीति की एक ज्ञानवर्धक वीडियो। मित्रों, ज्ञान कैसा भी हो लेकिन अधूरा ज्ञान सदैव घातक होता है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप वीडियो की भावनाओं में खो जाते हैं और वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। और अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें, इससे भविष्य में आने वाली सभी वीडियो आप आसानी से देख पाएंगे। अब चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस चाणक्य नीति वीडियो में हम आपको ऐसी चार बातों से अवगत कराएंगे जो ज्यादातर मनुष्य सुबह उठकर करते हैं, लेकिन उन्हें ये काम सुबह उठकर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चार काम करने से उनका पूरा दिन दुर्भाग्य के साए में कटता है और धीरे धीरे उनका सारा जीवन बर्बाद होने लगता है। इसलिए मित्रों, इन चार कामों को करने से बचना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि ये चार कार्य कौन से होते हैं, तो आइए अब इस वीडियो के माध्यम से आपको विस्तार से इन चार कार्यों के बारे में बताते हैं। नंबर एक, आईना देखना। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि सुबह सुबह जब लोग उठते हैं तो सबसे पहले आईने में अपनी शक्ल देखते हैं। ऐसा करना उनकी आम आदतों में शुमार होता है और शास्त्रों के अनुसार सुबह उठकर आईना देखना दुर्भाग्य का कारक है। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके साथ पूरे दिन नकारात्मक चीजें घटती रहती हैं और उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। तो इसलिए सुबह सुबह ये अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए, पूरे दिन के बारे में सोच विचार कर ही आईने की तरफ देखना चाहिए। नंबर दो, लड़ाई। दोस्तों, सुबह सुबह अगर खुद की किसी से लड़ाई हो जाए तो बहुत गलत बात है, लेकिन साथ ही अगर सुबह उठते ही आपका किसी बांडेर या कुत्ते की लड़ाई देखने को मिल जाए तो ये बेहद अशुभ माना जाता है। मित्रों, ऐसा देखने से अनुमान लगा सकते हैं कि आपका सारा दिन संकटमय हो जाएगा, इसलिए सुबह सुबह अगर ऐसी कोई घटना देखने को मिले तो वहां से तुरंत भाग जाना चाहिए। नंबर तीन, किसी का चेहरा। दोस्तों, सुबह उठते ही जिस प्रकार आईने में अपना चेहरा देखने से बचना चाहिए, उसी तरह किसी और का चेहरा भी देखने से बचना चाहिए। पूरा दिन ये सोचने के बजाय कि किसका चेहरा देखकर उठें, मित्रों अच्छा तो ये रहेगा कि दिन की शुरुआत इष्ट देव का ध्यान करके करना चाहिए। दोस्तों, भगवान का नाम और स्मरण एक साथ उठेंगे तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आपका दिन भी अच्छा बीतेगा। नंबर चार, पशु या गाँव का नाम। मित्रों, सुबह का नाश्ता दिन भर आपको उत्साहित रखता है, शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। दोस्तों, सुबह सुबह नाश्ते के वक्त या नाश्ते से पहले किसी पशु या गांव का नाम लेने से बचना चाहिए, इसलिए ऐसा करने से बचें और शास्त्रों के अनुसार सुबह उठकर अपनी हथेलियों को जोड़कर देखना शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, यही वो चार कार्य हैं जो मनुष्य को सुबह उठकर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि ये कार्य मनुष्य सुबह उठकर करता है तो वह बर्बादी की ओर जाता है, इसलिए ऐसे कार्यों को करने से बचना चाहिए और एक सकारात्मक सोच के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, आज का वीडियो बस यहीं तक। आपको वीडियो में क्या बेहतर लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें, ताकि हर रोज नई वीडियो आप आसानी से देख पाएं। मैं मिलता हूं आपसे एक ऐसी मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।